मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ बताओ यहाँ पे बताओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा। फिर कूदने लगे, कूदो मत क्या भैया, मैं तो कूद भी सकता हूँ। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। बताओ ना, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। गौरव भैया ये बताओ, ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है। हम अक्सर मीडिया डिबेट में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के झगड़े देखते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते भी उन्हें देखते हैं। आज हम एक पक्ष और विपक्ष जोड़ी की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं संबित पात्रा और गौरव वल्लभ की जोड़ी की। ये जब भी आमने सामने आते हैं डिबेट में कुछ मजेदार किस्से बन ही जाते हैं। आज हम उन्ही कुछ मजेदार किस्सों को आपके सामने लाएंगे। एबीपी न्यूज पर एक डिबेट में ये आमने सामने आए। इस डिबेट में एक दूसरे के ऊपर और पार्टी के नेताओं पर तीखे वार करते नजर आए। इसी बीच गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा पर एक टिप्पणी की, जिस पर एक हास्यपूर्ण स्थिति से बन गई। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये यहाँ बैठे वहाँ मोदी जी के कोई खुफिया कैमरे लगे हुए हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे देख रहे हो। मैं देख रहा था, मोदी ने ऐसे बोला, ट्रंप ने ऐसे वापस। टीवी में आप दिखाने रहे थे लाइव शो? ये क्या आप लाइव नहीं, आप टीवी में लाइव शो? भैया लाइव शो आप लोगों ने देखा कि नहीं? क्या लाइव शो दिखाते हो? क्या लाइव शो नहीं दिखाते हो आप? वो दिखाते हो क्या? कैसी बचकानी बातें करते हैं? कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं, वो ये यहाँ पे लाइव देखिए। बचकाओ मत, मैं लाइव शो देख रहा था भैया। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाइव शो हो रहा था कि नहीं? कूदने लगे, फिर कूदने लगे, कूदो मत कूदो मत क्या भैया, मैं तो कूद भी सकता हूँ। आप कूदोगे तो स्टेज टूट जाएगा। सोचो, आप आराम से सुन, आराम से कूदो मत, आराम से। तो कूद सकता हूँ भैया, मैं लाइट वेट हूँ भैया, कूद जा। मैं तो हाँ नहीं, आप कूदो, मैं नहीं कूदूंगा। कूदो 1 2 3 कूदो 1 2 3 कूदो। न्यूज 18 पर CAA NRC के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने गौरव वल्लभ और कांग्रेस पार्टी को CAA बिल को ना पढ़ने को लेकर टिप्पणी की, जिस पर गौरव वल्लभ ने इसी विषय में संबित पात्रा से एक सवाल पूछ लिया जिसका वह उत्तर ना दे पाए। इन्होंने कहा कि बिल में लिखा हुआ है कि जो कहेगा मोगैम्बो जिंदाबाद उसको सिटीजनशिप देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की समझ है बिल को लेकर, ये इस देश को बांटना चाहते इस आधार पे मोगैम्बो जिंदाबाद। अगर आपने पढ़ा है कहां पे CAA में लिखा हुआ है कि 1970 का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, बताइए। बुद्धिहीन डिबेट करते हैं आप लोग। कहां पे लिखा हुआ है 1970 का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? इन्होंने कहा कि साहब ये बिल एक्ट पढ़ के नहीं आए। मेरा इनको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, उस एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है अगर ये आप बता दो। अगर ये बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ। बताओ यहाँ पे बताओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? ये इतना पेज है, ये ज्ञान है, मतलब बिल पढ़ा नहीं, ज्ञान है, पेज कितना ज्ञान है, देख लिया आपने? कैसे उत्तर जीत हो गए इनको, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कितने कितने पेज है? वन क्लास का स्टूडेंट पेज है, नहीं बता पाए क्लास के स्टूडेंट की, क्योंकि बताओ कितने पेज है, बताओ पेज का रंग क्या है, बताओ। इस प्रकार का डिबेट होता है? हो गया ना, आपको देश ने देख लिया। आज तक पर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक डिबेट में गौरव वल्लभ और संबित पात्रा आमने सामने आए। इस डिबेट में संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, तभी गौरव वल्लभ ने उन्हीं की बातों से एक सवाल का मतलब पूछा जिसके बाद वह ठीक से जवाब ना दे पाए। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर किया था, हमारे लोगों की गाड़ी कमाई से कमाया हुआ पैसा है, हमारे देश पे खर्चा होगा। यहाँ आपकी जो नियत यह दिखती है कि चाइना को सब कुछ दे दो, अपना पैसा भी, ट्रेड डेफिसिट आपने 33% बढ़ा दिया था पैसे लेके चाइना से, ताकि चाइना को पैसा चला जाए। अब इन्होंने बात कही ट्रेड डेफिसिट पूरी हो गई है, इन्होंने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। समित भैया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा बताना। अंजना जी आप थोड़ी मदद कर दीजिए, आपने नहीं, मैं कुछ नहीं जानता भैया, तुम मैं ट्रेड डेफिसिट छोड़ो, पहले ये बताओ कि मोटा माल कहाँ छुपा है, ये बताओ। बताओ ना, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। गौरव भैया ये बताओ, ये मोटा माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है माँ बेटे ने? क्या खुद ही कहा आयात और निर्यात में जो फर्क होता है उसमें मत उलझाइए, आगे बढ़िए। रानी और जोकर को बचाइए। कितना होता है? एक मिनट क्या होता है प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब आपका क्लास नहीं है, पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। आयात और निर्यात की तरफ इस डिबेट को मत लेकर जाइए। एबीपी न्यूज पर एक डिबेट में संबित पात्रा ने 5 ट्रिलियन का जिक्र किया, जिसके बाद गौरव वल्लभ ने 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं ये पूछा, जिसके बाद संबित पात्रा इस बात को टालते नजर आए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। विगत 70 वर्षों में भारत जो आगे बढ़ा है, चाहे किसी भी सरकार के अंतर्गत बढ़ा हो, मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है।
5 ट्रिलियन ₹5 का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। जो गरीब आदमी ₹5 का पार्ले जी बिस्किट खाता है उसकी जेब से ₹5 निकाल लो, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा, हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात, तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके, वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं। और 5 ट्रिलियन में संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते, ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा। न्यूज 18 पर दिल्ली चुनावों के विषय में एक डिबेट में गौरव वल्लभ और संबित पात्रा आमने सामने आए और दोनों एक दूसरे पर तीखे वार करते दिखे। आप भी देखिए दोनों के बीच में ये मजेदार डिबेट। इतनी दूर आपके स्टूडियो नोएडा, जरा दो बात हमसे सुन ले फिर इसके बाद इनका खूब हंसी मजाक करिए। चिल्लाते हैं राघव भाई, दूसरी चीज ऐसी है एक दूसरे आप बोलने किसी को देते नहीं है। तीक भाई मैं बोलता हूं चिल्लाते हैं, भूत फांद होती है, आप बोलते हो तो भी भूत फांद कौन करते हैं, ये बोलते हैं तो भी राघव भाई बोलना शुरू कर देते हैं, ये जनता बोलती है तो भी भूत फांद करते हैं, शुरू कर देते हैं, करो करो आप लोगों को, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं सोनिया जी के बारे में। आप चुनाव बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव छोड़ के मानो कौन है बताना जरा, सोनिया जी के पिताजी का, आज सोनिया जी का कच्चा चिट्ठा खुली जाए, देखिए ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज कच्चा चिट्ठा खुली जाए, आज कच्चा चिट्ठा खुली जाए, सर सर खुली जाए, आज खुली जाए, जनता सोनिया जी के पिताजी का नाम स्टीफानो माइनो है, कौन था दिल्ली स्टीफानो माइनो मुसोलिनी के लिए काम करते थे। जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो ज्यादातर गौरव वल्लभ अपने सवालों से संबित पात्रा को तंग करते नजर आते हैं, जिसके बाद हमें कुछ मजेदार पल देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.